ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पंचक क्या होता है और इसका क्या महत्व है और भीष्म पंचक की क्या कथा है? तो चलिए आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में भीष्म पंचक का बहुत बड़ा महत्व है। भीष्म पंचक को पंच भिक्षु के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीने में स्नान करने वाले इस व्रत को जरूर करते हैं। यह व्रत बहुत कल्याणकारी होता है। भीष्म पंचक कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों में पूजा कर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। निःसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत कर सकता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तथा वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए। इसके अलावा जो जातक निम्न लिखे मंत्र से पितामह भीष्म को अर्घ दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्लोक इस प्रकार है। व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य एतत् तदुक्तम भीष्म वर्मणे वसु नाम अवताराय संतनोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्र पद गोत्र सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। भीष्म पंचक से जुड़ी कथा। प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों की जीत हुई, पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शैया पर लेटे हुए भीष्म श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण धर्म मोक्ष धर्म राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। श्री जी की चरण सेवा की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक तथा धारावाहिक भीष्म ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया। ऐसा माना जाता है कि ये 5 दिन भीष्म पंचक के ही हैं जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पंचक के यह 5 दिन लोगों के लिए बहुत मंगलकारी होंगे और आने वाले दिनों में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। भीष्म पंचक में क्या क्या परहेज करना चाहिए? भीष्म पंचक बहुत पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान अन्न ग्रहण न करें। साथ ही इस समय फल फूल दूध और दही का सेवन करें। साथ ही पंचगव्य गाय का दूध दही घी गोमूत्र और गोबर का मिश्रण भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करें तथा नहाने के पानी में थोड़ी मात्रा में गोचरण डालें। इन 5 गाय से बने चीज़ों को डालें और पवित्रता पूर्वक स्नान करें। साथ ही भीष्म पंचक के समय आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। इस व्रत का प्रथम दिन देव उठनी एकादशी को होता है। इस दिन भगवान नारायण अपने 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि को नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करके उठाना चाहिए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। अर्थात हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। भीष्म पंचक के 5 दिनों में विशेष प्रकार की पूजा होती है। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीप कर बीच में एक वेदी बनाएं। वेदी पर ध्यान देकर
तिल रख कर कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा होती है। इस व्रत के दौरान कार्तिक शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। उन्हें 5 दिनों तक सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही भीष्म पंचक के समय आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। इन 5 दिनों में निम्न मंत्र से भीष्म जी के लिए तर्पण करना चाहिए। ओम सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददाम्य अर्घम आजन्म ब्रह्मचारिणे। भीष्म पंचक का महत्व। भीष्म पितामह ने इन 5 दिनों में पांडवों को ज्ञान दिया था, इसलिए इस व्रत को भीष्म पंचक नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का खास महत्व है। यह व्रत न केवल पहले किए गए संचित पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि कल्याणकारी भी होता है। भीष्म पंचक व्रत बहुत मंगलकारी और पुण्य फलदायक माना जाता है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला सदैव स्वस्थ रहता है और प्रभु की कृपा उस पर बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप दीप अगरबत्ती जलाकर ईश्वर का ध्यान करते हुए रोली फूल अक्षत आदि से पूजन करें। फिर पूरा दिन सत्कर्म करते हुए व्यतीत करें। ध्यान रहे कि हिंसात्मक गतिविधियां न करें और ना ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें। संभव हो तो ईश्वर का नाम या मंत्र का जप करें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। शाम होने पर संध्या आरती कर फलों का भोग श्री लक्ष्मी नारायण को लगाएं। इसके बाद प्रसाद बांटें तथा स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत को संपन्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।